दरभंगा में बकरीद के दिन लाउड स्पीकर बजाने को लेकर दो गुटों में विवाद, हंगामे के बाद की गई तोड़फोड़। इधर मौके पर भारी फोर्स तैनात, तो वहीं स्थिति नियंत्रण में। जी हाँ, दरभंगा के जमालपुर थाना क्षेत्र में बकरीद में नवाज के वक्त लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद हो गया। इधर प्राप्त जानकारी के अनुसार शिव चर्चा के लिए लाउड स्पीकर लगाया गया था, जहाँ नवाज शुरू होते ही 50 की संख्या में आए लोग और लाउड स्पीकर खोल कर ले गए, जिसके बाद दो पक्षों में विवाद हो गया। वहीं इसके बाद बताया जाता है कि एक पक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत करवा दिया है। फिलहाल अभी मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। वहीं लोगों ने बताया कि जमालपुर के मखदूमपुर गांव के शिव मंदिर में शिव चर्चा चल रही थी। वहीं सुबह बकरीद पर ईदगाह पर नवाज अदा की जा रही थी। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे का सामान फेंका। वहीं स्थानीय लोगों की सूचना पर जमालपुर थाना प्रभारी राहुल के नेतृत्व में मौके पर दलबल के साथ पुलिस पहुंची और मामले को शांत करवाया गया। इधर ग्रामीण एसपी काम्या मिश्र भी मौके पर पहुंची, जहां दोनों पक्षों के प्रमुख लोगों से बातचीत कर साथ में चाय पी और मामले को शांत करवाया। फिलहाल मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। वहीं स्थानीय सुशील कुमार सहनी ने कहा कि हम लोग घर से बाहर गए थे, इस बीच साउंड चेक करने के लिए लाउड स्पीकर बजाया, जहां शिव चर्चा शुरू होने वाली थी, इसके बाद नवाज शुरू हो गई। इस दौरान 50 लोग आए और लाउड स्पीकर खोल कर ले गए। फिर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। इसी बीच स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पुलिस पहुंची। वहीं ग्रामीण एसपी काम्या मिश्र ने कहा कि दोनों पक्षों को आपस में बिठा समझा बुझाकर मामला को शांत करवा दिया है। ऐसा मामला आगे ना आए, इसकी हिदायत भी दी गई है। आपस में भाईचारा कायम रखने के लिए संदेश भी दिया गया है। बाकी मामले की जाँच की जा रही है, जहाँ दोषियों पर कार्रवाई निश्चित ही होगी। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ, हम लोग घर पे नहीं थे, न मेरे पिताजी थे, न हम थे। बाजा वाला आया था, अपना बाजा सेटअप उटअप सेट करके बाजा सिर्फ चेक किया ओनली। क्या होना था यहाँ पे? यहाँ पे शिव चर्चा भजन होना था जी। जी तो 2-3 होरन टांगा हुआ था, वही चेक करने के वास्ते वो लगाया था। उसके बाद किसी ने सूचना दिया कि मस्जिद में वो कर रहा है, तो उसके बाद जो बाजा को बंद करवा दिया गया था। बाजा बंद करवाने के बाद सारे लोग वहाँ से जो भी किया मस्जिद से उठ के आया। उसके बाद करीब 50-60 आदमी के भीड़ से यहाँ पे आया, ऊपर में हॉर्न तोरन था लेके चला गया, खोल खाल के मशीन तशीन जितना भी सेटअप था लेके चला गया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुशील कुमार सहनी। आज सवेरे ईद के अवसर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि जमालपुर थाने के मखदूमपुर गाँव में ईद के नमाज को अदा करने के बाद दो गुटों के बीच में प्राइवेट बाजे को बजाने को लेकर के झड़प हुई है। तुरंत सूचना मिलते ही SDPO और अनुमंडल के बाकी सारे थानाध्यक्ष एवं CI और हम सब समय पर पहुंच गए और वहां पर सिचुएशन को काबू में पा लिया गया। अभी वहां पर स्थिति सामान्य है। कृपया किसी भी तरह के अफवाहों पर विश्वास ना करें और जिन भी लोगों ने आज इस सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की है, उन सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है तथा उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।